तो उसके बीच भाई आ गया था और भाई आने के बाद मतलब दिन में वो कुछ नहीं खाए थे इसलिए मैंने चावल चढ़ा दिया था एक साइड पर और भाई को पता है वो ये चिप्स मुझे बहुत पसंद है मैंने उसको बोला था दीमापुर से लेके आने के लिए क्योंकि ये दीमापुर में मिलता है और इधर में नहीं मिलता है तो ये लेके आया था तीन पैकेट तो मैंने आते ही खाना शुरू कर दिया था उसके बाद मैं चली गई थी फिर किचन में क्योंकि मम्मी तो गई थी बहन के घर पर और मेरे को भी पता नहीं है कि भाई आया हुआ है और मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी पनीर की सब्जी बनाने के लिए तो ये थोड़ा सा स्विच स्विच से बनेगा क्योंकि अब अच्छा लोग भी खाएगा ना और मैंने याद मीठा के चक्कर में एक तो थोड़ा बहुत मीठा है मतलब ठीक था लेकिन जैसे मम्मी लोगों को तीखा पसंद है और थोड़ा बहुत तीखा होने से अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा मीठा मीठा टाइप में बन गया था लेकिन उसके साथ पुलाव होने से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काजू भिगो रख दूँगी क्योंकि उसे पेस्ट करना है और यहाँ पर मैं पनीर फ्राई कर रही थी और यहाँ पर ना मैंने एक गलती कर दिया था जैसे फ्राई करने के बाद आप लोग थोड़ा सा गर्म पानी और गर्म पानी में नमक डालकर उसके बाद जो तला हुआ पनीर है मतलब फ्राई किया हुआ पनीर उसको भिगो के रख दीजिएगा तब क्या होता है पनीर ना सॉफ्ट रहता है मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा क्वालिटी में इतना अच्छा से बनाया था बस पनीर थोड़ा सा हार्ड हो गया था लास्ट में क्योंकि तो ठंडा का दिन भी है मैंने सोचा था गर्म पानी करोगी बोल के लेकिन ना भूल गई थी मैं उसके बाद कि उसे रेडी करने के लिए गर्म पानी बिठाने के लिए और बस वो इसी चक्कर में मेरा पनीर थोड़ा सा टाइट हो गया रेडियो और रिकॉर्ड करते समय तो फाइनली मेरे यहाँ पर ख... आ, बना के ख़त्म हो चुका है इसलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ और इसने आलू फ्राई किया है और भाभी उधर चावल बना रही है कब अभी भी नहीं बहुत आलू भाजी वर्ष नहीं <laughs> औ, अच्छा ये करेगी मतलब तो रेडी करके आई है और एक दीदी है वो दाल पकौड़ा ये बनाएगी सबने भाग कर लिया मतलब तो अभी फटाफट दिखा लेती हूँ बैक कैमरा सबको और एकदम रात को आप लोगों से मिलता है अभी फिर से भाई और हस्बैंड नहीं है बाजार गया थोड़ा सा घूमने के लिए लड़का लोग घर में नहीं रहता है और उसके बाद अभी मम्मी और काकी गई मासी मतलब गई है कहाँ पर पूजा है उसका इन्वाइट आया था तो उसमें गई है तो मेरा काम खत्म अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी दो तो घंटा लगा मुझे इसको बनाने में चलिए बैकन से दिखाती हूँ भाई का रिएक्शन मम्मी का रिएक्शन तो आप लोगों को दिखाई दिया था पिछले ब्लॉग में तो क्योंकि जब भाई आया था उस टाइम में मतलब मम्मी नहीं थी तो उसका ब्लॉग मैंने पहले अपलोड कर दिया और बस ये बनाया हुआ और हम लोग मिल खाया हुआ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मिक्सअप हो चुका है मतलब ब्लॉग तो फाइनली अभी यहाँ पर हमें प्लेट वेट लेके जा रही हूँ और सब ने अपना अपना डिश लेके रख दिया इधर तो अभी भाभी का भी डिश आना बाकी है मेरा तो हो गया मेरा कढ़ाई डायरेक्ट लेके मैं आ गई थी एक ही आइटम बनाया था मैंने उसके बाद अभी सब बचपले बच्चा पार्टी उसके बाद मिडिल मतलब जितना भी भाई साहब है वो सब का खाना होगा उसके बाद हम लेडीज़ लोगों का बारी आएगा अच्छा है, लगता है कभी कभी इस तरह खाने में भी हालांकि ये ब्लॉग बहुत दिन हो चुका है इस ये ब्लॉग शूट किया हुआ है लेकिन शूट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो चलिए देखते रहिए आप तो यहाँ पर खाना शुरू हो चुका है और यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था तो मैंने इसलिए पूरा म्यूट कर दिया था क्योंकि अच्छा लगता थोड़ा सा म्यूज़िक बजने से क्योंकि तभी ना माहौल बनता है उस टाइम में तो फाइनली अभी हम, हम लोग का खाना का बारी दो बज खाना हो गया बाद अभी हम लोग का बारी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा खाने में क्योंकि दाल पता नहीं उस दिन मुझे इतना क्यों टेस्टी लगा था और चावल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि ये भाभी का मायके का चावल था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये चावल क्या क्या नाम है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन अच्छा लगा खाकर तो चलिए आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करती थी कुछ खास नहीं था मेरे ब्लॉग पर लेकिन तब भी अपलोड कर दिया आप लोगों के साथ तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग पर अगर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सर लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा और भूलिएगा मत अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग पर